हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
तेजो राशि
Namo Namo
नमः पुरस्तारे सदस्ते नमोस्तु कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति दोषी विहाय हैया सर्वो जनेषु एकोत्रात्यस्युत समचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम्पिताशी लोकस्य सरा सरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात्प्रणम्य कणिधायतायं प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं एव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देव सोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कमलाकांक्षिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययिष्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यः विद्यते भरत श्रेष्ठ संयज्ञं वेद्धिराजसं विधि नमश्रेष्ठानं मांसहीनमदक्षिणां श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञो पूजनं सौसमार्जवान् ब्रह्मचर्यमहंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं
सख्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशोधिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्वविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन सैवय क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् क्रीडया क्रियते तप परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदाधितम् दातव्यमिति यद्दानं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम 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 राम।
यो माम पश्यसि सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यसि सस्याहं प्रणश्यामि सस्मेन प्रणश्यसि यो माम पश्यसि सर्वस्व के मेरे को देखता सब जगत है मेरे को देखता है मेरे भी सब जगत को देखता है तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता मान सब जगह परमात्मा को देखता है वो तो मैं उसके सामने अदृश्य कैसे हो और मेरे सामने वो अदृश्य कैसे हो तो ये परमात्मा स्वरूप से देखना है ना ये गीता का सिद्धांत है वासुदेव सर्वविधि महात्मा सुदुर्लभ सब उस वासुदेव ही है परमात्मा ही परमात्मा है ये पूर्ण पूर्णता है इसमें जैसे माँ बाप को ईश्वर रूप से माना गुरु रूप को ईश्वर माना पति रूप से ईश्वर रूप से माना सेवा किया तो ये भी साधना है सेवा करना है परंतु असली चीज है कि ये परमात्मा ही है सभी असली बोध होगा ना तो ये संसार नहीं दिखेगा परमात्मा ही दिखेगा तो परमात्मा ही परमात्मा है ये वास्तविक वास्तविकता है और जब तक जगत रूप अलग दिखता है परमात्मा अलग दिखता है तब तक असली आस्तिकता नहीं है जगत की सत्ता स्वतंत्र मानता है वो तो जगत रूप से है परमात्मा रूप से पर जगत रूप देखता नहीं तो इनमें से चार बातें हैं इसमें एक तो जगत में परमात्मा को देखना एक परमात्मा में जगत को देखना एक जगत को ही परमात्मा में देखना और जगत में परमात्मा को देखना मतलब जगत नहीं है परमात्मा है और एक परमात्मा है जगत नहीं है तो परमात्मा ही परमात्मा है ये वास्तविकता है वासुदेव सर्वम तो ये कब होता है जो जगत रूप से जो पहले दिखे जहाँ तो संसार रूप से दिखता है जब जगत परमात्मा रूप नहीं दिखता तो इसमें साधना हो सकती तो इसमें साधना हो सकती है साधना तभी हो सकती है कि जब जगत परमात्मा ये जगत रूप ही है तो जो अपना शरीर मिला वो जगत से अलग नहीं है अपनी जो सामग्री है वो भी जगत से अलग नहीं है तो अपनी सामग्री से अपने को सेवा जगत की सेवा करनी है केवल जगत की सेवा करने के लिए ही मैं हूँ तो दोनों तरह से सेवा अपने को तो खट करके परिश्रम करके सबको सुख पहुंचा रहा है और अपनी सेवा अपने पुस्तक अपने वस्तुओं के द्वारा जगत को सुख पहुंचा रहा है और अपने पकड़ जाने वाले वस्तु है ये केवल सेवा के लिए है और उनको संग्रह करता अपने सुख के लिए करता है तो ये तो है पतन की बात है और सेवा के लिए ही है सबके परमात्मा की सेवा करना है जगत रूप से जगत रूप सत्ता दी गई तो सेवा करना है तो जिस दिन ये सब भीतर विचार हो जाएगा मैं और मेरी वस्तु में सब जगत की सेवा मात्र में ऐसे में लग जाएगा तो परमात्मा दर्शन हो जाएंगे अभी इसका नतीजा परमात्मा प्राप्त हो जाएगी पर जगत को जगत मान करके भी
केवल सेवा जगत ही करे, अपने पास चीज है वो सब जगत की चीज है। शरीर मिला है तो जगत से मिला है, वस्तु में मिली तो जगत से मिली हुई है। स्थूल शरीर है वो स्थूल जगत से मिला है, सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर जगत से मिला है, कारण शरीर है वो कारण जगत से मिला है। तो ये जो शरीर मिला है ये जगत से अलग नहीं है। जैसे आप पावक मेरा पंच रचसी अधम शरीरा, तो जगत रूप से देखते हुए भी जगत का ही शरीर है, जगत की ही सामग्री है, जगत की सामग्री जगत की सेवा में लगा देना है, जगत का शरीर जगत की सेवा में लगा देना है। तो क्रिया रूप से काम से जगत की सेवा करना है, और सूक्ष्म शरीर है उसे चिंतन भी करना है, तो सबकी सेवा का चिंतन करना है, सबके सुख का चिंतन करना है, सबके हित का चिंतन करना है, सबके आदर का चिंतन करना है, सबकी प्रशंसा का करना है, सबके हित के लिए। और समाधि करना है तो कारण शरीर से सब जगत का कल्याण हो, सब जगत का उद्धार हो, इसके लिए ही समाधि करना है। हमें समाधि से लेना नहीं है, अपने लिए समाधि करना नहीं है, जगत की सेवा के लिए। ऐसे हो जाने पर जगत रूप जगत नहीं जीगा गए, परमात्मा ही जीगा। फिर तो जगत रूप से देखते हुए भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और जगत से परमात्मा के अंतर्गत है, परमात्मा ही है इसमें। जैसे सोने सोने के गणों में सोना ही है, बर्फ में सब में जल ही है, लोहे के बने हुए सब अस्त्रों में लोहा ही है, मिट्टी से बसने ऊपर से मिट्टी है। ऐसा देख जाता तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए, खांड के खिलौने कई तरह के हो परंतु खांड ही है, तो उनके बने हुए खिलौना है अलग अलग रूप, नाम है रूप है ऐसे दिखता है वही खांड ही। तो वासुदेव स्वरूप बहुत जल्दी हो जाएगा, परंतु ऐसी वृत्ति न हो सके। मेरे को तो जगत रूप से दिखता है, संसार है, पांच भौतिक है संसार है, तो पांच भौतिक संसार दिखता हो तो पांच भौतिक अपना शरीर है, शरीर संसार से अलग नहीं है। शरीर को जो संसार से अलग मानना है, ये शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करना है। अरे कैसे हुआ, संसार से तो शरीर पैदा हुआ है, संसार से शरीर पड़ता है और संसार में लीन हो जाता है, अलग नहीं है। अलग मानना है ये गलती है। इसमें मान इसी सेवा में लगा दो तो फिर संसार नहीं रहेगा, ना शरीर रूप रहेगा ना संसार, परमात्मा रूप हो जाएगा। जब तक सुख लेने की इच्छा है, आदर की इच्छा है, जीने की इच्छा है, अपने प्रशंसा की इच्छा, ये जब तक है तब तक बंधन है। तब तक क्या होता है, संसार से अपने लेने की इच्छा है, अपने लेने की इच्छा है तब तक बंधन है। जैसे संसार को समुद्र कहते हैं, जगत संसार समुद्र है, तो समुद्र को लेने की जल में वो खड़ा हो किलो को लेना लगे नहीं तो डूब जाएगा, और लेना नहीं रहा ऐसे हाथों से दांतों से मारता चला जाए तो पार हो जाएगा। तो संसार से लेना नहीं है, संसार की सेवा करना तो उद्धार का मार्ग है, और संसार से सेवा कराने की इच्छा ये पसंद का मार्ग है। माता पिता हो चाहे भाई भौजाई हो चाहे स्त्री पुत्र हो, इनको सुख कैसे हो आराम कैसे हो, अगर यहाँ से शुरू केवल सेवा करना ही शुरू कर देंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, फिर जगत नहीं दिखेगा।
जगत से सुख लेने की इच्छा से जगत की सत्ता स्वतंत्र रहती है और बंधन होता है, और जगत रूप से अपने पास वस्तु है तो सही है, तो जगत रूप से जगत की वस्तु जगत की सेवा कर दो। तो हम वस्तु गोविंद तो बेमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित चल जाती है। केवल इधर प्रवाह सेवा कहीं हो जाए तो जगत नहीं रहेगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अपनी तरफ खेचोगे तो डूब जाएंगे। ये मानव शरीर है ना, इसकी महिमा बड़ी भारी है, क्योंकि इसमें ये बुद्धि पैदा हो सकती है। गाय बहुत पवित्र होती है परंतु गऊ अपना उद्धार नहीं कर सकती, और मनुष्य शरीर का उद्धार कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में ये विवेक शक्ति है। धातु चीज से संसार से शरीर अलग नहीं, शरीर से संसार अलग नहीं, ये तत्व एक है। तो इनकी सेवा ही सेवा करना, अपने सुख नहीं लेना है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो गृहस्थ में रहना है, एक बड़ी सुंदर पाठशाला है ये, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए पाठशाला है, परंतु केवल सेवा करने के लिए। छोटा है बड़ा है, समान अवस्था वाला है, सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, सबका हित कैसे हो, सबको सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, उसमें अपने जीवन को लगा दे केवल। तो ये जड़ता का प्रवाह इधर लगना, सर्वथा प्रवाह होते ही जड़ता नहीं रहेगी, एक दूसरे शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जगत की स्वतंत्र सत्ता मान करके भी ऐसा किया जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और जगत में परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा देखकर सेवा करो। गीता में जो आया है चारों वर्णों का धर्म बना, स्वाभाविक धर्म बताया है, वहां यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम। इसमें जगत रूप से नहीं है, जगत में परमात्मा है। ऐसे अपने धर्म और कर्म बताए अलग अलग, अपने स्वाभाविक धर्म तो यथा प्रवृत्ति भूतानम, जिससे संसार प्रकट हुआ, जिस संसार सब चेष्टा करता है, जिस प्रकार से प्रकाशित होता है, जो सब में एक परिपूर्ण है, स्वकर्मणा तमभ्यस्य, अपने कर्मों से उसका पूजन करता है। किसका? जिससे पैदा हुआ, जिससे चेष्टा करे, सब सब में परिपूर्ण है, उस परमात्मा का। तो संसार रूप से परमात्मा का पूजन करना है वहाँ। स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति, परमात्मा से प्राप्ति हो जाएगी। परंतु परमात्मा समझ करने से परमात्मा की, पहले मैंने बात की, परमात्मा न सिर्फ जगत रूप से ही समझोगे तो भी स्वार्थ का अभिमान का त्याग करते ही जगत परमात्मा रूप हो जाएगा, जगत लुप्त हो जाएगा, जगत नहीं रहेगा, हमारा जड़ता नहीं रहेगी। और परमात्मा सब में परिपूर्ण है, व्यापक है, किंतु बहुत जल्दी हो जाएगा काम। संकोच बोलो, सबको सुख पहुंचा, सबकी सेवा करना, सबका हित करना है। अपनी वस्तु जो अलग अपने मान रखी है ये है गलती। तो अलग बना कब मिटेगा कि हमारी शक्ति, हमारा शरीर जो कुछ है, हमारी सामग्री है, सब संसार की सेवा के लिए ही है, अपने सुख के लिए नहीं है। यही तो उनका फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। और स्वर्ग के चरण बढ़ने के बाद तो भी स्वर्ग अंत दुखदायी कैसे होगा, और अपने सुख के लिए है नहीं। हम तो सबकी सेवा के लिए ही है, हमारी वस्तु सेवा के लिए ही है। केवल भाव हो जाएगा, ये जगत रूप नहीं रहेगा, ये जड़ से चल जाएगी। तात्पर्य ये हुआ कि अपने सुख के लिए जगत मानोगे तो जड़ है, भयंकर है। और जगत ही सब संसार, अपनी चीज मानोगे तो कल्याण कर लेगी।
इस वास्ते आया है कि जगत है ना, ये क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। दूसरे की बात आती है, दूसरी बात आती है, मानो दुखालय में शाश्वतम आता है। संसार क्या है, पुनर्जन्म क्या है, दुखालय में शाश्वतम आता है और वासुदेव सर्वमंदन आता है। तो दुखालय कब है ये? कि जब इसने सुख चाहते हैं तो, और सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो सब जगह ईश्वर रूप है तो दुखालय ही होता नहीं हो कुछ, और दुखालय है तो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता, परमात्मा आनंद रूप है। तो दुखालय कब है? अपने सुख चाहते हैं तो दुखालय है, और सेवा चाहते हैं तो भगवान का स्वरूप है। बोलो, अभी आपने बताया महाराज जी की सेवा करते समय यदि भगवान का भाव न रहे तो सेवा करते तो अपने आप भगवान प्रकट हो जाए। अपने स्वार्थ अभिमान न हो तो प्राप्त हो जाए, जरूर हो जाए। अपना स्वार्थ नहीं है, अभिमान नहीं है, केवल सेवा के लिए ही शरीर है, सेवा के लिए सामग्री है, केवल उनके लिए ही है। जैसे सदावर्त के लिए सब भोजन बना हुआ है, सदावर्त देना है जनता को, ऐसे जैसे वो जनता के लिए दे तो भोजन सब संसार में लीन हो जाएगा, आपका भोजन नहीं रहेगा, वहाँ पचेगा तो भी नहीं रहेगा, नहीं बचेगा तो नहीं रहेगा। इसमें भगवान के भाव की आवश्यकता नहीं, भगवान भगवत भगवत यही तो बात कह रही थी। भगवत भाव हो तो कल्याण होगा ही, भगवत भाव नहीं जगत भाव होगा तो भी अपना स्वार्थ अभिमान का त्याग करके जगत रूप से जगत की सब वस्तु तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कहानी क्या है कि जड़ता मिट जाएगी, जड़ता तो अपने सुख भोग से ही जड़ता है, तत्व जड़ता तत्व नहीं है, जड़ तत्व तो नहीं है, तत्व तो चिन्ह में ही है। अब वो चिन्ह में तत्व कब होगा? कि जब हम सुख भोग नहीं चाहेंगे तब होगा वो, सुख भोग चाहेंगे तो कितनी बातें बनाओ कितने पढ़ जाओ तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अहंकार और स्वार्थ का त्याग करके सेवा करे उससे भगवत भाव अपने आप पैदा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कहने की जड़ता है ना, इसको हम सुख चाहते हैं तो हम जड़ता अपनी तरफ खींचते हैं, अपने की तरफ, और सेवा करते हैं तो उस तरफ करते हैं, उस तरफ करते करते ये जड़ता लुप्त हो जाएगी, जड़ता नहीं जाएगी। फिर जड़ता तो सुख भोग में ही है, स्वार्थ में अहंकार में, इसमें करोगे तो जड़ता रहेगी। और ये मिटा कर सेवा ही सेवा सेवा करते रहोगे, सुख नहीं निर्मोह निरहंकार से शांति मिलेगी, चली निर्मोह निरहंकार से शांति मिलेगी, चली निर्मोह निरहंकार होना पड़ेगा। कर्म मार्ग से तो ये बात होगी, और भक्ति वाले निर्मोह निरहंकार समुद्र को सुरक्षा में निर्मम निरहंकार केवल भगवान की सेवा करेगा तो भगवान रह जाएंगे। और ज्ञान मार्ग में निरहंकार निर्मोह हो जाएगा तो एक तत्व ब्रह्म रूप रह जाएगा। इस थोड़ा फर्क ये होगा कि पारमार्थिक सेवा करेगा तत्व से, वेदांत तत्व अद्वित सिद्धांत को लेकर के, तो पहले अहंकार का नाश होगा और कर्म करना कर्मयोग से चलोगे तो फिर कामना, जैसे ये क्रम है विहाय कामानीय सर्वान पमस्त निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार, ये कामना छोड़ करके और फिर स्प्रिया छोड़ करके ममता छोड़ करके और सेवा कर फिर अहंकार बढ़ जाएगा। और ज्ञान मार्ग में चलोगे तो अहंकारम बलम दर्पम काहेपन छोड़ने में कठिनता होती है प्रारंभ में। इस वास्ते कर्म मार्ग सुगम पड़ता है, भक्ति मार्ग सुगम पड़ता है, ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है। अगर कामना छोड़ दो अहंकार ढीला हो जाता है, उठ जाता है,
मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरी चीजा है, ये भाव रहता है। तब तो फिर कितना ही आप विचार करो, कितने पढ़ाई कर लो, कितना ही समझो, बंधन नहीं मिलेगा। कर्तापन में भी अहंकार रहता है, कर्तापन में अहंकार, कर्तव्य तो है ही खास, जब कर्तव्य है। इस बात से गीता में ज्ञान योग का जहाँ बन है कर्तृत्व का निषेध है। प्रकृति कर्माने क्रियमाने सर्वशः गुणा गुणेषु वर्तन्ते नान्य गुणे व्यकर्तारम् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। अपने कोई संबंध नहीं है, ज्ञान मार्ग है और योग मार्ग कर्म मार्ग है, भौतिक साधना जो सब संसार है जिसका ये शरीर है, तो इनका ही है, इनकी सेवा के लिए मेरे लिए नहीं है। जहाँ मेरे लिए नहीं होगा तो जड़ता सब चल जाएगी, चिन्मय चल जाएगी। वास्तव में तंतु चिन्मय तत्व है एक, जड़ता तो अपनी कामना में है, कामना नहीं जड़ता दी जाएगी। निर्मम आराम का तीनों में होगा, कमा योग मार्ग में भी बिहार कामान्य सुना तो निर्मोध अहंकार होगा, उसमें अहंकार ब्रह्मभूत हो जाएगा। ब्रह्मभूत होने सोचने का अक्षसी फिर मत भक्ति बनाओ, जब इनसे सब सुन भगवान में पहले भक्ति हो जाएगी, उस भक्ति से परमात्मा को जान जाएगा। तो खास बंधन क्या है देखो, एक बात बताऊ आप ध्यान दें, वर्षों तक मैंने पढ़ाई की और सुनाया व्याख्यान दिया, परंतु हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी, बात क्या है, जो जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्या कारण है। नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, दूसरा शास्त्री बात करते हैं, सब कहते हैं, फिर भी जो वास्तव में स्थिति क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है। तो फिर बहुत देरी से मालूम हुआ, आप उस बात से बताता हूँ कि आप अभी से समझ सकते हो। जहाँ संयोग जन्य सुख की इच्छा जब तक रहती है तब तक कुछ भी करो वो सिद्धि नहीं होती। सुख अपने नहीं देना, दूसरों को देना है, ये सुख अपने नहीं भोगना है, सुख देना दूसरों को, सिद्धि हो जाएगी। ये मार्मिक बात है, हमें तो बरसों तक पता नहीं लगा इस बात का, आश्चर्य साहब है। सिर्जी के थे पूछे, सिर्जी बात क्या है, हम पाठ करते हैं, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक समझते हैं, फिर भी जैसी स्थिति वास्तव में होनी चाहिए जैसी स्थिति नहीं हुई, क्या कहा अटकी बात है। इतना संतोषजनक उत्तर नहीं है, शेर जी संतुष्ट नहीं हुआ। शेर जी ने कहा देखो हमारा युद्ध चल रहा है, कलहरी बात हो रही है, उन्होंने नाम लिखे एकांत शिवाराम जी बात, एकांत रहते हैं करते हैं, उनसे पूछ लो शांति नहीं मिलती अभी, अभी वायुमंडल सही है, ऐसे ही उसका असर पड़ रहा है। ये आप पूरा समाधान हुआ नहीं, हम समाधान नहीं हुआ, अब हमें समाधान होता है। ये देरी से बात मालूम हो रही है, सुख की इच्छा के संबंध से यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं होते हो, इनसे जो शब्द स्पर्श रूप गंध, इससे हम सुख लेना चाहते हैं, ये करते रहो, फिर कितना ही तो पढ़ लो, कितना ही ध्यान कर लो, समझ में ला लो, तो सत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो जड़ता को अपने सब खेलते हैं, अब जड़ता को पढ़ते हैं तो एक बड़ी मालूम हुई कि मैं मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश है ये, मेरा अंश हो गए और मनुष्य से प्रकृति स्थानीय कर सकती, प्रकृति में स्थित वो कैसा है, तो मेरे पर असर पड़ा कि ये मनुष्य से इंद्रिया बड़े सपूत है जो प्रकृति में स्थित रहते हैं, यदि परमात्मा का अंश होकर परमात्मा से विमुख होकर ये जड़ता को कहता है। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अधिकार से जीव बना है वह जीव रूप, कब के मन श्रेष्ठ इंद्रिया प्रकृति स्थानी,
तो जैसे मन सचिन प्रकृति स्थानीय है ऐसे स्वयं प्रकृति परमात्मा में स्थित है, पर तो परमात्मा विमुख होकर गणता है। मन सचिन बेचारी प्रकृति भी स्थित रहती है, तुम्हारे सब जाते ही नहीं, अब तुम इनको पकड़ते हो, इस बात बंधन हो रहा है, इस बात बंधन हो रहा है। जैसे वो प्रकृति है ऐसे परमात्मा से चाहिए, सम दुख सुख स्वस्थ, जहाँ सुख दुख समोही स्वयं स्थित हो जाएगा, और सुख दुख भोगेगा तो पुरुष प्रकृति से ही भोगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते भोगता हेतु है कब, प्रकृति होता सब प्रकृति, जो प्रकृति सुख को भोगता है सुख भोगता है बन देता है। आसक्ति से ही वो मतलब प्रकृति है, अरे उसकी जो आसक्ति है इसीलिए प्रकृति है, इस प्रकृति है। वो आसक्ति मिटने का सुगम उपाय गृहस्थ आश्रम में है, साधु के परिचय भी अपने सुख की इच्छा न रखे, सबको सुख दे, स्त्री रोटी बनाकर आपको भोजन दे तो उसकी प्रसन्नता के लिए खाओ, अपने खुशी के लिए नहीं, लेना भी उसके सुख के लिए, देना भी उसके सुख के लिए, ये उद्देश्य बन जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। छोड़ने का आरम्भ होगा, इस बात नहीं होगा। महाराज जी जो लोग देश सेवा के ऊपर सब कुछ बलिदान कर देते हैं उनका कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाते मान बढ़ाई नहीं चाहता होता भाई, मान बढ़ाई हम फांसी चढ़ जाए तो भी मन में मेरा नाम हो जाएगा, मेरे को लोग अच्छा समझेंगे, फिर नहीं होगा, होगा वो खरीद लिया ना उसने, उतने अंश में कमी है उसको, उतने अंश में कमी है, खरीद उसे अंश में नहीं है, वो फांसी भी खरीद ली सुख के लिए, मामा के लिए, मान के लिए, तो फांसी बिक गई, उस अंश नहीं रहा है। ये महाराज जी साधक को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, इसी पर कभी हाँ तो नहीं सुख जी, हमारे स्वार्थ कहाँ है, हमारी हमारी आशुद्धि स्वार्थ बुद्धि भोग बुद्धि सुख बुद्धि संग्रह बुद्धि कहाँ है, ये निरीक्षण करना चाहिए, ये होगा तो पसंद हो जाओ, खूब बदमुक्ति नहीं होने देगा। नारायण 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 नारायण।